नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस वक्त की एक बड़ी खबर, आखिरकार सामने आया वसई विरार मनपा आयुक्त गंगाधरन डी का बदली ऑर्डर। वसई विरार मनपा आयुक्त के पद पर नए किसी अधिकारी की नियुक्ति की फिलहाल नहीं है कोई जानकारी। शुक्रवार 31 दिसंबर से चर्चा में आई वसई विरार मनपा आयुक्त गंगाधरन डी की बदली वाली खबर पर आज मोहर लग गई है। आज 11 जनवरी को मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव सुजाता सैनिक के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र सामने आया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने वसई विरार मनपा के पूर्व आयुक्त गंगाधरन डी को मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव के तौर पर बदली होने के चलते मुख्य सचिव कार्यालय के नए पद पर उप सचिव का कार्यभार ग्रहण किए जाने का आदेश दिया हुआ है, जिसके बाद 31 दिसंबर से चल रही आयुक्त की बदली वाली चर्चा को पूर्ण विराम लग गया है। दरअसल 31 दिसंबर से आयुक्त की बदली की चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी। सैफ न्यूज लाइव ने भी आयुक्त की बदली संबंधी खबर 2 जनवरी को चलाई थी, लेकिन आयुक्त की बदली का आधिकारिक आदेश नहीं आने एवं आयुक्त के वसई विरार मनपा मुख्यालय में पिछले सप्ताह में बैठक लेने से क्षेत्रवासियों में आयुक्त की बदली को लेकर संशय फैला हुआ था और अलग अलग चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच पिछले सप्ताह में मनपा अतिरिक्त आयुक्त संतोष देहरेकर की ठाणे जिले में बदली एवं वसई विरार उपायुक्त अजिंक्य बगाड़े की वसई विरार मनपा अतिरिक्त आयुक्त में पदोन्नति होने का आदेश शासन से निकला, लेकिन तब भी मनपा आयुक्त की बदली का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया था, जो आज आए आदेश के बाद साफ हो गया है। वसई विरार मनपा आयुक्त की बदली मंत्रालय में कर दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल मंत्रालय से वसई विरार में अगला आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। साथ ही मनपा का चार्ज किसे दिया गया है इसकी भी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। वर्तमान में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बाद शासन पर वसई विरार मनपा में पूर्णकालिक आयुक्त को जल्द ही नियुक्त करने का दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि बगैर पूर्णकालिक आयुक्त के किसी भी बड़े निर्णय का लिया जाना संभव नहीं है। पिछले साल जून से वसई विरार मनपा का कार्यकाल खत्म हो चुका है एवं आयुक्त ही प्रशासक की भूमिका भी निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव।